हेलो एवरीवन, दिस आई लीवा। आज मुझे खुद भी पता नहीं मैं कैसे साउंड कर रही हूँ। आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड तो श्योरली लगेगा क्योंकि इतना खराब गला जो है, एंड ये जो हालत है ना बहुत ही खराब था, बहुत दिनों से चलती आ रही है, इसीलिए वीडियो भी नहीं आ रहा था क्योंकि बात ही नहीं कर पा रही थी मैं। वॉइस ओवर तो दूर की बात थी, थोड़ा सा डिले तो हो ही गया है, पर क्विक वाला वीडियो से जो कि आप लास्ट मोमेंट पे ट्राई कर सकते हो। तो चलिए फटाफट से आज के वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो या फिर मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साथ ही साथ लेकिन कुछ रिप्रेस कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज के वीडियो। टू बी वेरी अनेस्ट, आज तक ना मैं सबसे जो पुराना वाला मेरा कपड़ा है उसे ढूंढ के निकालती हूँ, और होली के दिन तो उसे ही पहन के मैं खेलती हूँ। तो मैंने सोचा चलो इस बार मैं हाथों से पेंट करती हूँ, एंड इस बार मैं 3 डिफरेंट टी शर्ट पेंट कर चुकी हूँ। एक तो मेरे लिए, एक देवाशीष के लिए, एंड ये जो पेंट कर रही हूँ एक छोटी सी बच्ची के लिए है जो मेरे घर आने वाली है उस दिन। तो मुझे लगा चलो उसको भी गिफ्ट करती हूँ, एंड सबसे प्यारा वाला टी शर्ट ये बनने वाला था तो मुझे लगा चलो आपके साथ ये वाला शेयर कर लेती हूँ। तो छोटा सा कार्टून जैसे कैरेक्टर मैं यहाँ ड्रॉ कर चुकी हूँ, एंड उसके अंदर मैं फिल करूंगी कलर। अगर आपको थोड़ा बहुत भी दिक्कत हो रही है ना इसे ड्रॉ करने में, तो आप पहले तो पेपर के ऊपर ड्रॉ करके कार्बन पेपर के हेल्प से ट्रांसफर कर सकते हो अपने फैब्रिक के ऊपर। अगर आपको ड्रॉ करने में दिक्कत हो रही है तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपके साथ इमेज फिर एक बार ड्रॉ करके शेयर कर लूंगी ताकि आप इजिली उसे ट्रांसफर कर सको अपने किसी भी फैब्रिक के ऊपर। यहाँ मैं जो कलर यूज कर रही हूँ ये सारे के सारे एक्रीलिक कलर से, कोई भी ब्रांड ऐसा मैंडेटरी नहीं है। आपके पास जो भी कलर्स अवेलेबल है एक्रीलिक कलर या फिर फैब्रिक कलर, आप उसमें से उठा के ले सकते हो। एंड यहाँ मैं थोड़ा सा पास्टल टच भी दे रही हूँ क्योंकि पास्टल कलर आजकल के ट्रेंड है, आप सबको पता होगा। एंड बहुत ही सिंपल वाला पेंटिंग है, मुझे तो ये कम्प्लीट करने में 1 घंटा ही लगा। आप भी इसे ऐसे ही रातों रात कम्प्लीट कर सकते हो। एंड अगर आपके पास पुराने फैब्रिक है, मतलब आपके घर में अगर इस तरह के प्लेन टी शर्ट ऐसे ही पड़े हैं, तो आप उसके ऊपर बेफिक्र होकर पेंट कर लीजिए एंड होली के दिन जरूर यूज कीजिए। क्योंकि हमारा मेन मोटिव है कि जो टी शर्ट वेस्ट है या फिर पुराने हो गए हैं उसे रियूज करना है, एंड होली के दिन अच्छा वाला फोटो भी खींचना है ना। तो उसके ऊपर बस अपने मनपसंद सारे कलर्स ऐड कर दीजिए एंड बहुत सारे फोटो खींचिए। होली है तो होली के थीम के ऊपर तो कुछ लिखना ही था, तो मैं बस यहाँ होली है लिख रही हूँ। मैं तो यहाँ मन भर के कलर पुट कर चुकी हूँ, आप भी डाल दीजिएगा जो भी कलर्स आपको पसंद है। ओके, अभी जो कैरेक्टर है ना उसको हम आउटलाइंस देंगे। पहले तो उसका जो फेस वाला पार्ट है उसको हम फीचर आउट करेंगे, एंड आउटलाइंस देने के लिए भी मैं ले रही हूँ ब्लैक एक्रिलिक कलर विद 0 नंबर ब्रश। ये ना काफी इजी वाला DIY, मैं तो ये ध्यान पे रख के बनाई हूँ कि हर कोई इसे ट्राई कर सके। अगर आपके घरों में बच्चे हैं तो आप उनके साथ भी ट्राई कीजिएगा। एंड हाँ, आपको कैसा लगा, इजी लगा या नहीं, इसका फाइनल लुक आपको पसंद आया कि नहीं, मेरे साथ अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। तो ये रहा आपके सामने इसका फाइनल लुक, है ना बहुत ही कलरफुल। आपको सच में पसंद आया कि नहीं मुझे प्लीज प्लीज जरूर बताइएगा। आप अगर फैब्रिक कलर यूज करते हो तो एक दिन पहले भी इसे बना के आप यूज कर सकते हो। तो चलिए अभी बनाते हैं हमारा नेक्स्ट DIY। तो ये DIY काफी इजी बनने वाला है, इसके लिए आपको कलरफुल पेपर्स चाहिए, एंड इसके ऊपर मैं ड्रॉ कर रही हूँ कुछ झरो का पैटर्न्स। एंड उसके बाद मैं एक कार्डबोर्ड ले रही हूँ, जितना पतला होगा आपका कार्डबोर्ड उतना ही अच्छा है। मैं ये जो पेपर है इसके ऊपर स्टिक कर दूंगी। अगर आपके पास अभी के लिए कलरफुल पेपर नहीं है तो आप डायरेक्टली कार्डबोर्ड के ऊपर पेंट कर सकते हो। सिर्फ होली ही क्यों, बर्थडे वगैरह मनाने के लिए आप इस तरह DIYs अपने हाथों से बना के भी अपने घर को सजा सकते हो। क्योंकि मैं जब भी कुछ बैनर टाइप प्लान करती हूँ ना, मैं हमेशा ट्रेडिशनल डिजाइन ही प्रीफर करती हूँ। वैसे तो मेरे घर के जो डेकोरेशन है हमेशा ट्रेडिशनल स्टाइल की होती है, एंड मुझे लगता है ट्रेडिशनल डिजाइन एक ऐसी डिजाइन है जो साल के किसी भी टाइम आप किसी भी कॉर्नर को डेकोरेट करने के लिए यूज कर सकते हो। अभी ना आप कलरफुल पेपर्स लेके उसके ऊपर कलर प्लसेस बहुत सारे ड्रॉ कर लीजिए एंड उसको कट कर लीजिए। अगर आप चाहते हो कलरफुल पेपर ना लेके आप उसे पेंट भी कर सकते हो एक्रिलिक कलर के हेल्प से। ये जो DIYs मैं आज बना रही हूँ ना, इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी अगर आपके घर के पास कुछ स्क्रैप स्टोर है, वहां पर आपको 20-30 रुपीस के अंदर कलरफुल पेपर्स के एक पैकेट मिल जाएगा जो कि आप बाद में भी यूज कर सकते हो। अगर आप उसे ले लेते हो इस बार तो वो पेंट भी करना नहीं पड़ेगा, DIYs क्विकली बन जाएगा।
अभी होली लिखना था तो 9 डिफरेंट कार्डबोर्ड के ऊपर मैं लिख भी चुकी हूँ। अभी बारी है हैंग करने की। इसके पीछे की तरफ मैं स्टिक कर रही हूँ मास्किंग टेप, सो देट मुझे बहुत ही इजी होगा इसे हैंग करने में। एंड चलिए मैं अभी हैंग करके भी आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। मेरे नेक्स्ट DIY बनाने से पहले इसको बनाना मेरे लिए बहुत ही जरूरी था, तो चलिए फटाफट से बनाते हैं नेक्स्ट DIY। लास्ट DIY के लिए मैं कार्डबोर्ड बॉक्स का एक पार्ट ले रही हूँ। आप चाहो तो ट्रे भी यूज कर सकते हो। तो इसके ऊपर मैं पेंसिल के हेल्प से ड्रॉ कर रही हूँ ताकि मैं इसके अंदर कलरफुल कर सकूँ। अगर आपके पास कलरफुल पेपर ऑलरेडी है तो थोड़ा सा 3D लुक देने के लिए आप पेपर को कट करके इस तरह पुट भी कर सकते हो। ऑप्शन तो आपके पास दोनों है, आपको जो भी पसंद है या फिर आपके पास जो अवेलेबल है आप उसके साथ ही जा सकते हो। तो मैं यहाँ पेपर को कट करके लगा रही हूँ। एंड स्टिक करने के लिए मैं हुई ग्लू स्टिक यूज कर रही हूँ। एंड देखिए इस तरह मैं इसे रेडी कर चुकी हूँ। अभी मैं इसे एक साइड में रखूंगी एंड दोनों डाउल्स लेके इसके दोनों कॉर्नर्स में अटैच कर लूंगी। आपके पास अगर पेंसिल्स है तो आप उसे भी यहाँ अटैच कर सकते हो डाउल्स के जगह, क्योंकि बाद में तो हम इसे निकाल ही देंगे। तो यहाँ पर मैं छोटा सा एक बैनर जैसे लगाना चाह रही थी। तो पहले से आप मैक्रामे या फिर थ्रेड वगैरह कुछ भी डाल सकते हो। मैं यहाँ लेस डाल के रखी हूँ एंड उसके ऊपर मैं इसे भी स्टिक कर चुकी हूँ। अभी ये वाला DIY ना ये हमारा कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि यार हम ना इसके बाद इसको बस डेकोरेट करेंगे, क्योंकि हमें एक छोटा सा टेबल सेटअप करना है। क्योंकि बचपन से हमने देखा है होली के दिन बहुत सारे मेहमान आते हैं तो उनके लिए गुजिया से लेके चॉकलेट तक बहुत सारी चीज टेबल के ऊपर हमें रखना होता है। तो क्यों ना उसे क्रिएटिव वे में प्रेजेंट करें। आपके घर में जितने मेहमान हैं आप उसके हिसाब से टेबल सेटअप कर सकते हो। मैं तो बस 2-4 लोगों के लिए ही बना रही हूँ। अभी मेरे पास कुछ खास मिठाई विठाई नहीं था, बस जो था मेरे पास मैं उसके साथ ही डेकोरेट कर रही हूँ। होली के दिन सोच रही हूँ कुछ मिठाई विठाई ला के डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि उस दिन मेरे घर पे मेहमान आने वाले हैं। तो आप अपने हिसाब से डेकोरेट कीजिएगा। एंड अगर आप ये वाला सेटअप अपने घर पे तैयार करते हो तो मेरे साथ मेरे इंस्टा हैंडल पे जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं ना देख के बहुत खुश हो जाऊंगी। मैं ये रिकमेंड करूंगी आपके पास जितने बड़े साइज के टेबल है आप उसको डेकोरेट कीजिएगा। अगर डाइनिंग टेबल है तो आप वॉल के पास लगा के उसको डेकोरेट कर सकते हो इस तरह। तो यस, ये था इसका फाइनल लुक। आपको कैसा लगा प्लीज बताइए। फिर मिलती हूँ आपके साथ बहुत ही जल्दी। एंड मेरे तरफ से आपको एंड आपके परिवार को हैप्पी होली।